एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अंदर अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो करें तो क्या क्या रिएक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस जो है वो टेक प्लेस करती हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ, सारा लेक्चर जो है वो देखने वाले हैं हम लोग। प्लीज पेन कॉपी निकाल लीजिए, सब कुछ जो है वो नोट करेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो कार्बोनिल ग्रुप, अगर हमारे पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब हम लोगों के पास क्या है, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है। तो न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशी है जिसके ऊपर हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो यहां पे बेटा जी कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर इस जगह पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। कारण क्या है इस चीज का? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिससे इलेक्ट्रॉन का जो है शिफ्टिंग हो जाता है किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो हम लोगों के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। अब देखो दिस इज अ फेवरेबल साइट फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो आपस में हम लोगों के पास जो है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है वो रूल है ये कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से जो न्यूक्लियोफाइल है इस पर्टिकुलर जगह पे अटैक करता है और यहां से ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कार्बन जो है चार वैलेंसी है, चार बॉन्ड ही बनाएगा। देखो यहाँ पे एक ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा ऑलरेडी बना हुआ है, तीसरा ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी बना हुआ है, एक न्यूक्लियोफाइल के साथ बन जाएगा। तो चार बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हम लोगों के पास यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। तो देखो ये वाला बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, सिंगल बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल देखो साथ में जो है वो हम लोगों के पास अटैच हो गया इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ। ये स्टेप जो है थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, पाई बॉन्ड का ब्रेक करना, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना, इन सब चीजों में जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब एक स्लो स्टेप है, ठीक है। तो ये स्लो जो है वो हो जाता है। इसके बाद बेटा जी देखो अब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो जितने भी स्पीशीज जो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो अपने ऊपर रखते हैं वो इस ऑक्सीजन नेगेटिव पे जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ओ नेगेटिव पे जो है वो ई पॉजिटिव, दैट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इस पे अटैच हो जाएगा। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शंस जो है वो हम लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर सीखने वाले हैं कि कैसे कार्बोनिल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो एड ऑन हो रहे हैं या एडिशन जो है वो न्यूक्लियोफाइल का हम लोगों के पास किस तरीके से जो है वो किया जा रहा है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। अब याद रखो बेटा जी एक सिंपल सा फंडा है, कहीं पे भी अगर हम लोगों के पास सी डबल बॉन्ड ओ आ गया या कार्बन ने जो है वो डबल बॉन्ड बना लिया तो दैट पर्टिकुलर कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है बेटा जी तो उस पर्टिकुलर कार्बन का जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी अ प्लेनर स्ट्रक्चर, वो हम लोगों के पास एक प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो होगा। तो यहां पे देखो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मैंने शो कर दिया और ये पर्टिकुलर प्लेनर स्ट्रक्चर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल जो है मान लो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो हो गया, जहां पे ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है और ये दो बॉन्ड्स जो है वो इसने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो CO बॉन्ड इज अ प्लेनर बॉन्ड। तो यहां पे देखो न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से अटैक कर रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे या वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो हम लोगों के पास नीचे से अटैक करेगा। तो देयर विल बी टू साइड्स फ्रॉम विच द न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच द कार्बोनिल बॉन्ड। तो मैं यहां पे ज्यूम कर रहा हूं कि एक पर्टिकुलर जगह से जो है वो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा, तो जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि ये कार्बन जो है वो पांच बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड, उसकी बलि दी जाएगी यहां पे और ऑक्सीजन के ऊपर हम लोगों के पास एक नेगेटिवली चार्ज जो है वो आ जाएगा। अब देखो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 था, जिसकी वजह से हम लोगों के पास एक प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो कार्बोनिल ग्रुप शो कर रहा था। जैसे ही इसने अपने आप को जेड से या न्यूक्लियोफाइल से जो है वो अटैच हो गया तो इसका अब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम लोगों के पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को जो है वो शो करती है। तो यहां पे जो है वो कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास करेगा। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। अब देखो ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये सारे पॉजिटिवली चार्ज
स्पीशीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा, तो जो इजिली इसको अप्रोच कर सकता है उसके साथ ही अटैच हो जाएगा, काफी फास्ट स्टेप रहता है। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एच पॉजिटिव इसको अप्रोच कर रहा, और यहाँ पे हम लोगों के पास एक एडिशन का एल्कोहल वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। आई होप बेटा जी यहाँ तक जो है वो क्लियर है। इसको एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखना। अगर तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वीक है, मतलब ये जेड नेगेटिव की इस न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूं, जैसे वीक है, जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया इज अ वीक जो है वो न्यूक्लियोफाइल की कैरेक्टरिस्टिक है, या उसका अमोनिया का ही कोई डेरिवेटिव हो गया, तो रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम के अंदर यूजुअली करवाई जाती है, ठीक है। और सच रिएक्शंस को एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है वो बोल देते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल की भी एक टेंडेंसी है कार्बोनिल ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट होने की, अगर तो वो बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है तो बहुत ज्यादा इजिली अप्रोच जो है वो कर जाता है, नहीं तो क्या करना पड़ता है, कई बार एक हम लोगों को एसिड कैटलाइज्ड मीडियम जो है वो यूज करना पड़ता है जहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल्स का एडिशन हम लोग जो है वो कर रहे हैं। अब उससे हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट जो है जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो यहां पे ये कार्बोनिल ग्रुप था, और इसको अगर मैं एसिड कैटलाइज्ड करवा दूं, तो एसिड कैटलाइज्ड अगर मैं इसको करवाऊं बेटा जी, तो हम लोगों के पास एच पॉजिटिव इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो अपने आप को अटैच करने की टेंडेंसी रखेगा, जिसकी वजह से बेटा जी हम लोगों के पास यहाँ पे OH हो जाएगा, और इस जगह पे जो है वो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो आ जाएगा। पहले जो न्यूक्लियोफाइल था अगर स्ट्रांग होता तो ये अपने आप पार्शियल पॉजिटिव वाले पॉइंट पे भी अपने आप को अटैक कर जाता, आराम से अटैच हो जाता, लेकिन एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन को करवाने से वीक न्यूक्लियोफाइल को भी ज्यादा अट्रैक्शन मिल रहा है, क्योंकि इट इज नॉट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक पूरा फुल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे कि अमोनिया जो है जिसके ऊपर लोन पेयर है न्यूट्रल है, इसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो यहां पे देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो यहां पे देखो बेटा जी हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, हम लोग ऐड करने वाले हैं यहां पे HCN। अब HCN की एक बहुत अच्छी करेक्टरिस्टिक है कि ये HCN जो है हम लोगों के पास H पॉजिटिव और CN नेगेटिव के अंदर जो है वो ब्रेक करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड हैज सम एसिडिक करेक्टर, तो इसका कुछ एसिडिक करेक्टर है जिसकी वजह से जो है ये इजीली हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर जगह मतलब इस पर्टिकुलर तरह से जो है वो ब्रेक हो जाता है। बाकी इसकी रिएक्शंस नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैंने बना रखी है, एक बार यहां से रीड आउट कर लेते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज अ साइनोहाइड्रिन। दिस रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली विद प्योर HCl, देयरफॉर ये मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं, एक बार इसको ध्यान से देख लो कि ये जो HCN का रिएक्शन है इसको देखना, अगर मैं सिंपल इसका ब्रेक देखूं बिना किसी कैटालिसिस के, तो ये जो H पॉजिटिव में और CN नेगेटिव में इसका ब्रेक होना है बेटा जी, ये बहुत ज्यादा स्लो है। तो इस स्टेप को फास्ट करने के लिए, क्योंकि देखो स्लो अगर कोई स्टेप आ गया किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में तो रिएक्शन को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, सब लोग वे आउट्स ढूंढते हैं ताकि इंडस्ट्रियली जो है वो चीजों को या कमर्शियली चीजों को बहुत जल्दी से और इजिली जो है वो किया जा सके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक बेस का एडिशन जो है वो कर रहे हैं। इसका मेन मोटिव यही है कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है इसको क्या करा जाए, फास्ट करा जाए। अब देखो बेस के एडिशन से हो क्या रहा है, जो इसका एच पॉजिटिव था तो यहां पे देखो HCN था और हम लोगों ने OH जो है वो ऐड किया, जिसकी वजह से ये फटाफट से जो है वो क्या बना देगा, वाटर बना देगा और साथ में CN नेगेटिव का फॉर्मेशन हम लोगों के पास हो जाएगा। तो इसके लिए जो है अपने को एक बेस का एडिशन जो कि एक कैटालिसिस का काम जो है वो कर रहा है वो अपने को करना है। तो यहां पे एक बार पढ़ लेते हैं, देयरफॉर इट इज कैटालाइज्ड बाय अ बेस एंड जनरेटेड साइनोहाइड्रिन आयन बीइंग अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रेडी टू ऐड ऑन द। अब जब ये CN नेगेटिव क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है अवेलेबल होगा तो फटाफट से जो है वो कार्बोनिल ग्रुप पे जो है वो अटैक कर देगा। तो यहां पे देखो ये हम लोगों के पास कार्बोनिल ग्रुप था, साइनोहाइड्रिन आयन जो है वो फॉर्म हुआ, इसने फटाफट से इस पर्टिकुलर जगह पे एक्ट किया और ये पाई बॉन्ड जो है वो यहां से ब्रेक करेगा और ये वाले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हम लोगों के पास कर देगा। तो यहां पे देखो CN ऐड हो गया, दो बॉन्ड्स ऑलरेडी बना रखे थे, ऑक्सीजन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया जिसके अंदर हम लोग H पॉजिटिव फिर से ऐड करते हैं
और हम लोगों के पास ये कंपाउंड जो है वो बन जाता है। तो इसको देखो हम लोग क्या बोलते हैं लास्ट में, तो ये अल्टीमेटली जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज अ साइनोहाइड्रिन कंपाउंड। तो ये हम लोगों के पास एक साइनोहाइड्रिन कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है। तो आगे देखते हैं हम लोग जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड हम लोगों के पास, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हम लोगों के पास बेटा जी क्या होता है। देखो सोडियम का फॉर्मूला है Na, हाइड्रोजन सल्फाइड इज HSO3। अब अगर मैं इसके ऊपर चार्जेस की बात करूं तो सोडियम के ऊपर क्योंकि एक मेटल है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, और HSO3 नेगेटिव जो कि एक सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही कार्बोनिल ग्रुप के अंदर इसका एडिशन हम लोग कर रहे हैं, तो देखो ये सिंपल तरीके से मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ आपको रिएक्शन करवा के, इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, बना रहा हूं। ये था अपने पास ग्रुप कार्बोनिल वाला, अब हम लोगों के पास क्या है HSO3 नेगेटिव है जो कि इस पर्टिकुलर पे अटैक कर रहा है, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर रहा है। इस बॉन्ड के ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रेक करा हुआ बॉन्ड ही दिखा रहा हूं, और ये हट गया और यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पर्टिकुलर SO3 जो है वो SO3H जो है वो ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव भी प्रेजेंट है जो कि इस जगह पे अटैच होगा और हमारे पास जो है वो ONA का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है। तो देखो मैंने यहाँ पे बना रखा है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इसने जो है वो पहले अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया जिसके साथ सोडियम जो है वो जुड़ रहा है और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। फिर हम इसके अंदर H पॉजिटिव जो है वो डाल देते हैं। H पॉजिटिव डालने से ये जो ONA है ये हमारे पास OH से जो है वो रिप्लेस हो जाता है और हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड का, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन जो है वो हो जाता है। अब देखो रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है, ये रिएक्शन एक सेपरेशन के लिए यूज होती है या प्योरिफिकेशन के लिए यूज होती है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए। मान लो कोई मिक्सचर है और उसके अंदर से जो है वो एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, अल्कोहल भी प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक भी प्रेजेंट है, बहुत सारी तरह तरह की चीजें जो है वो प्रेजेंट है, और मेरे को क्या है कि स्पेसिफिकली एल्डिहाइड को जो है वो अलग करना, तो मैं उसके अंदर क्या करने वाला हूं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड डालूंगा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के डालने से देखो क्या हो रहा है, बिकॉज द एडिशन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज वाटर सॉल्युबल, तो ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है ये पानी में सॉल्युबल है, तो पानी में सॉल्युबल है तो ये घोल के हम लोग पानी के साथ जो है वो निकाल लेते हैं जो कि कन्वर्टेड बैक इंटू ओरिजिनल कार्बोनिल ग्रुप पाए, और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को आगे हम लोग किसी भी मिनरल एसिड से या एल्कली से ट्रीट करते हैं तो मेरे पास दोबारा से कार्बोनिल ग्रुप जो है वो आ जाता है। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड डाला, एक ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा अगर उस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग पानी डालें तो उस पानी में घुल जाएगा, और पानी में घुलेगा तो उसको सेपरेट आउट कर लेंगे पानी के साथ बाहर निकल जाएगा, और उसको दोबारा से कार्बोनिल ग्रुप में चेंज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई सा भी मिनरल एसिड ले लो या एल्कली ले लो, उससे जो है वो उसको हम लोग दोबारा से कार्बोनिल ग्रुप के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। आई होप यहां तक जो है वो आपको क्लियर हो चुका है कि कैसे सेपरेशन जो है वो करनी है। मतलब उसको पानी में डाला, पानी में घोल के जो है वो अलग कर लिया, अलग कर लिया उसके बाद उसको सेपरेट आउट करने के कुछ प्रोसेसेस जिसमें मिनरल एसिड का एडिशन या एल्कलीज का एडिशन जिससे हमें कार्बोनिल ग्रुप दोबारा से जो है वो मिल जाता है वो हम लोग जो है वो इसके अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन प्योरिफिकेशन के लिए यूज होती है, तो ये जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे हम लोग कि जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं वो ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट के साथ जो है वो किस तरीके से हम लोगों के पास रिएक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मूला ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है, लास्ट टर्म में भी आपने जो है वो इसको पढ़ा है। तो RMGX एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास RMGX इज अ ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। अब इसकी खासियत हम लोगों के पास क्या है कि इसमें जो R है, जो एल्काइल ग्रुप है उस पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो मैग्नीशियम है हम लोगों के पास उसके ऊपर हमारे पास यहां पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर जो नेगेटिव वाला चार्ज स्पीशी है वो जो है वो इजिली अटैक कर देता है, तो यहां पे देखो हम लोगों के पास होगा क्या, एक बार मैं इसको यहां पे करके बता देता हूं। वैसे ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट के ऊपर एक पूरा वीडियो मैंने ऑर्गेनिक रिएजेंट्स वाली प्लेलिस्ट में डाल रखा है, बहुत अच्छा वीडियो है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर वो देखना है तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरलाइज्ड पूरा का पूरा सार है, जहां पे
भी ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज हो रहा है या कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन जो है वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से टेक प्लेस कर रही है, सारा कुछ जो है वो मैंने डाल रखा है, प्लेलिस्ट के अंदर बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इसका लिंक दे रखा है, तो ये वीडियो आपको जब भी टाइम लगे जरूर देखो, ठीक है। बाकी इसको मैं समझा देता हूं, यहां पे देखो हमारे पास क्या है, आर था जो कि यहां पे हम लोगों के पास अटैक करेगा क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इसके साथ हम लोगों के पास क्या था, एम जी एक्स था जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला बॉन्ड हम लोगों के पास ब्रेक होगा और ये एम जी एक्स जो है वो यहां से जुड़ जाएगा। तो यहां पे देखो अपने पास बनेगा क्या, यहां पे आर हो गया और यहां पे ओ साथ में आ गया और साथ में एम जी एक्स जो है वो हम लोगों के पास आ जाएगा। तो देखो यहां पे देखो इसको ध्यान से देखोगे अगर आप, तो आर जो है वो कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ओ एम जी एक्स, ओ एम जी एक्स जो है वो इस तरीके से हम लोगों के पास जुड़ जाते हैं। इसके अंदर अगर हम लोग पानी डालें या वाटर का एडिशन करें, तो यहां पे मैं इस वाटर को जो है वो ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना इसको कैसे लर्न करना है आपको, एच ऐसे लिखो, वाटर का ओ एच ऐसे लिखो, ये अलग कर दो, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोगों के पास एक अलग हो जाएगा और ये ओ के साथ जो है वो एच यहाँ पे हमारे पास जुड़ जाएगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, एम जी ओ एच एक्स, जो कि कहां से बन रहा है, इस पर्टिकुलर जगह से जो है वो हम लोगों के पास बन रहा है। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है, एक बार मैं इसको क्लियर आउट कर देता हूँ, फाइनल रिएक्शन जो है वो आप नोट कर लो, कॉन्सेप्चुअली जो है वो मैंने समझा दिया किस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास टेक प्लेस कर दिया। आई होप यहां तक क्लियर है, नेक्स्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यहां से देख लो हम लोग कैसे एल्डिहाइड्स को यूज करके एल्कोहल्स प्राइमरी बना रहे हैं, या कैसे एल्डिहाइड्स को यूज करके हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल्स का फॉर्मेशन जो है वो अपने पास यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ये सारी रिएक्शंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो पहले एच सी एच ओ वाली रिएक्शन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोगों के पास एच था, आर एम जी एक्स हमने डाला, जिसका आर जो है वो यहां जुड़ेगा और जो एम जी एक्स था वो हम लोगों के पास यहां जो है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आर, ये आर है, सी एच टू, ये सी एच टू ओ एम जी एक्स जो है वो बन गया। इसके बाद हमने वाटर का एडिशन किया, तो जैसे ही वाटर का एडिशन करेंगे तो यहां पे एच लग जाएगा और साथ में जो है वो एम जी ओ एच एक्स जो है वो अलग हो जाएगा, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोगों के पास हो जाएगा। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ सेकेंड वाली रिएक्शन के अंदर अगर आप देखो थोड़ा सा ध्यान से, तो हम लोगों के पास जो है वो यहां पे R है साथ में जुड़ा हुआ, C डबल बॉन्ड O है और साथ में H है, इसके अंदर हम लोग R डैश और साथ में डाल रहे हैं MgX। R डैश जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जुड़ेगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जुड़ने से यहाँ पे जो है वो हमारे पास R डैश हो गया और MgX जो है वो हम लोगों के पास जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जुड़ेगा, तो यहां पे बना रहा हूं मैं साथ में क्या, MgX। अब वाटर का एडिशन जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों के पास जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे OH आ जाएगा और ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों के पास एक सेकेंड डिग्री अल्कोहल जो है वो बन जाएगा। तो देखो HCHO के साथ एसिटाल्डिहाइड अगर हम लोगों के पास है, उस पर्टिकुलर केस में अगर मैं ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट के अंदर एडिशन कर रहा हूं तो मेरे पास जो है वो प्राइमरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और कोई सा भी एल्डिहाइड हो तो उस केस में सेकेंडरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं कीटोन्स जो है वो इस्तेमाल करूं तो मेरे पास जो है वो टर्शरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगा। मैं इस पर्टिकुलर जगह पे आपको करके दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देख लेना, आर है, सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे आर है और साथ में हम लोग जो है वो आर डैश एम जी एक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आर डैश इस जगह पे जो है वो अटैक करेगा, तो यहां वाला अटैक जो है वो मैं ऐसे शो कर रहा हूं, ये आर डैश हो गया, अब ये टूटेगा यहां से और इस जगह पे क्या आ जाएगा, एम जी एक्स जो है वो आ जाएगा। अब ये एम जी एक्स जब पानी डालेंगे तो ये वाला ग्रुप बिल्कुल अलग हो जाएगा और यहां पे जो है वो एच आ जाएगा प्लस साथ में जो है वो एम जी ओ एच एक्स का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो दिस इज अ, ये हम लोगों के पास जो है वो कौन से वाला, एक थर्ड डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन जो है हम लोगों के पास जो है वो यहां पे हो जाता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ जो है वो आ गया। बाकी कॉन्सेप्ट जो है मैंने तीन कॉन्सेप्ट ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट तक जो है वो डिस्कस कर ली है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।